नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी का कहना है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप जीतेगी क्योंकि पूरी टीम की टूर्नामेंट के लिए भरपूर तैयारी है। कनाडा में पीसीबी डिजिटल टीम को दिए गए इंटरव्यू में फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी ने कहा है कि गुज़श्ता एशिया कप वो नहीं खेले थे लेकिन इस बार उनकी भरपूर तैयारी है। पूरे साल खिलाड़ी मसरूफ रहे और टीम ने हर शोबे में अच्छा परफॉर्म किया है। उनका कहना था कि श्रीलंका की फ्लैट पिचेज होती हैं जो स्पिनर्स को मदद देती हैं लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने श्रीलंका में लीग क्रिकेट भी खेली है। टेस्ट और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज भी भरपूर अंदाज में खेली है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंका में तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेली है इसीलिए हमें यहाँ की कंडीशंस का अंदाजा है। फास्ट बॉलर का मजीद कहना था कि टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हैं, फैमिली से ज्यादा वक्त टीम के साथ गुजरता है। खुशी है खिलाड़ी दिल से क्रिकेट खेल रही है और उससे भी अच्छी बात यह है कि बाहर बैठने वाले खिलाड़ी भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शाहीन शाफरीदी ने कहा है कि साथी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का रोल वनडे क्रिकेट में मुश्किल होता है क्योंकि उसको जिस वक्त बॉल मिलता है तो गेंद ज्यादा स्विंग नहीं होती है लेकिन हारिस रऊफ ने हमेशा ब्रेक थ्रू दिया है और वो हारिस 2018 से साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और लाहौर कलंदर में भी उनकी जोड़ी मैदान में साथ उतरती है। इसी वजह से दोनों फास्ट बॉलर में अच्छी तालमेल भी बरकरार है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।